बच्चे स्वागत है हमारे इस ब्राइट एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, वैचित्र्यमय असम से केवल दो ही आता है, सिलेबस में भी दिया हुआ है एनी टू। आप कोई दो पढ़ाई कर लीजिए, दो जाति, दो मतलब क्या, दो जातियों के ऊपर पढ़ाई करना है, चाहे वो आप तिवा हो गया, बहुत सारे हैं, देवरी हो गया, है कि नहीं, नेपाली हो गया, बोडो हो गया, तो आपको सिर्फ दो जातियों के बारे में ही पढ़ना है। क्लास टेंथ की बात बोल रहा हूँ मैं, क्लास नाइन का भी वैसा ही है। तो सिर्फ दो जातियों के बारे में पढ़ना है, योर चॉइस, आपको ही चॉइस करना है कि आप कौन से जाति के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए मैं शुरुआत करता हूँ। देखिए मैं पढ़ाऊँगा सबसे पहला जो है, मैं इसको पकड़ूँगा। तिवा पढ़ने में भी बहुत इंटरेस्टिंग है, ये क्लास टेंथ का पहला जाति यहाँ पे दिया गया है, तिवा दिया गया है, तो हम तिवा के बारे में पढ़ेंगे। हालांकि मैं बहुत सारा डॉट लाइन दे के रखा हूँ, ये पढ़ाया हूँ अपने स्टूडेंट को, इसीलिए ऐसा है। चलिए शुरुआत करते हैं तिवा। ये तिवा है क्या? तिवा देखिए एक जनजाति है, जिस तरह बोडो, नेपाली, बंगाली, आसामीस, हाँ, इसके बाद काछारी, ये सब जनजातियाँ होती है, जातियाँ होती है, उसी तरह तिवा भी एक जाति है। तो तिवा जाति कहाँ से आई, कैसे आई, इसकी संस्कृत क्या है, इन लोगों का कल्चर कैसा है, हाँ, इन लोगों का धर्म क्या है, सब के बारे में पढ़ेंगे। तो तिवा लोग प्राचीन काल से असम में निवास करती आ रही एक जनगोष्ठी है। पहले ही बोला ये एक जातिया है, जातिया को जनगोष्ठी कहा जाता है। ध्यान से पढ़िए, पढ़ाऊँगा मैं, आप ध्यान से सुनिएगा बस, कि हुआ क्या। तिवा लोग प्राचीन काल से असम के निवास करती आ रही है। तिवा जो जनजाति है, देखिए जनजातियाँ जो है स्त्रीलिंग है, इसलिए स्त्रीलिंग की जगह कारण ही यहाँ पे करती आ रही है, ना कि करता दिया गया है, ठीक है। स्त्रीलिंग पुल्लिंग ग्रामर में भी पकड़ होनी चाहिए आपको। ये लोग इंडो चीन के अंतर्गत तिब्बती बर्मी भाषा परिवार के तहत बृहत बोडो गुट से संबंधित है। देखिए बोडो गुट से संबंधित है, ये भी बोडो के जैसे ही दिखते हैं। हालांकि ये आए कहाँ से, ये लोग संपर्क रखते हैं इंडो चीन से, यानी तिब्बत बर्मा, इन जगहों में हम इनको देख पाएंगे, ठीक है। तिवा लोगों को हमें दिखाई देगा जब हम बर्मा जाएंगे, तिब्बत जाएंगे, तो ठीक है। तो ये गुट से संबंधित है। वर्तमान में इस समुदाय के लोग असम के नौगांव, अभी हालांकि ये बहुत दूर तक फैल चुके हैं, अभी हम वर्तमान की बात करें तो ये जातियाँ हमें कहाँ कहाँ देखने को मिलेगी, तो ये आपको लिखना पड़ेगा। वर्तमान में तिवा लोग हमें असम के नौगांव, मरीगांव, कामरूप, कार्बी आलंग, जोरहाट, धेमाजी, लखीमपुर, सदिया और मेघालय के कुछ इलाकों में बसे हुए देखने को मिलते हैं। वर्तमान आप असम में जाइएगा, हमारे नॉर्थ ईस्ट में जाइएगा, तो हम नौगांव में, मरीगांव में, कामरूप, कार्बी आलंग, जोरहाट, धेमाजी, सदिया, लखीमपुर, इन जगहों में हमें ये जातियाँ, तिवा जो जातियाँ है, ये हमें देखने को मिलेगी। इतना दूर तो हमें मालूम हुआ कि कहाँ कहाँ ये बसते हैं और अभी भी कहाँ है। वैसे तो तिवा लोग वर्गीकरण मतलब तिवा लोगों का भी पार्टीशन मतलब अलग अलग है। तिवा लोगों एक ही जाति के अंदर भी कई कई भाग हो जाती है। कोई पहाड़ पर रहता है उसको पहाड़िया बोला जाएगा, हाँ, उसके बाद दांतिया, आलिया, थोलो वाली के नाम से किया गया है। इन लोग का वर्गीकरण किया गया है कि तिवा जो जाति है, ये जातिया का भी कुछ भाग है, कुछ को दांती अलिया कहा जाता है, जो पहाड़ में रहता है उसे पहाड़िया कहा जाता है, जिस तरह टी गार्डन में रहने वाला वहाँ पे चाय बागानी कहा जाएगा, इसी तरह, ठीक है। इसके बाद थलो वाली जो नगर शहर में रहता है उसको शहरी कहा जाता है, बिल्कुल वैसा ही है, लेकिन लोग तो वही रहते हैं ना, तो थलो वाली के नाम से भी वर्गीकरण किया गया है। आगे देखते हैं, मगर मौजूदा वक्त में उनको पहाड़ी और मैदानी क्षेत्रों में ही विभक्त कर देखा जा सकता है। अभी मौजूदा वक्त यानी अभी हम बात करें तो अभी हम उन लोगों को ज़्यादातर देखने को मिलेंगे पहाड़ और मैदान के दो ही क्षेत्र में देखने को मिलेंगे, और कहीं हमें नहीं, पहाड़ और मैदान, ये दो क्षेत्र में हमें वे जातियाँ दिखाई पड़ेगी। इतिहास के पत्रों पर तिवा लोग का अहम स्थान है। अब इतिहास के पन्नों पर, सॉरी पत्रों नहीं, इतिहास के पन्नों हैं, इतिहास की पन्नों, इतिहास को अगर उल्टा कर देखें, हम पीछे अगर चले जाएं, इतिहास मतलब होता क्या है, बीती हुई कहानी, हम पहले की जो कहानियां बीत चुकी है उसके बारे में पढ़ते हैं, वही हिस्ट्री कहलाती है, हालांकि हिस्ट्री का डिफिनेशन भी ऐसा ही होता है। तो बीती हुई जो कहानियां हैं, हम अगर पीछे झांक कर देखें, अपनी ज़िंदगी की पीछे जाएं, तो तिवा वीर जोंगालू बहलू का प्राग ऐतिहासिक युग का महान राजा माना जाता था। देखिए तिवा का भी राजा होते थे, आपको मालूम है कि पहले हमारे देश जो आज़ादी से पहले 1947 से पहले
1947 से पहले की बात करें तो हमारी जो देश में राजतंत्र चल रहा था, राजाओं राज कर रहे थे, मुगलों का शासन था। इससे पहले देखें बहुत सारे राजाओं ने यहाँ पे राज किए, और इसके बाद ही हम प्रजातंत्र आया। पहले राजतंत्र था, फिर प्रजातंत्र, अभी हम प्रजातंत्र में हैं। ठीक है, गणतंत्र प्रजातंत्र है कि नहीं। तो उस समय इन लोगों का भी राजा हुआ करता था, जिसका नाम क्या था, जोंगालू बलहु, ऐतिहासिक का महान राजा था, ये याद रखना है। इसलिए यहाँ पे गोल किया गया है कि ये सॉरी जोंगालू ने जोंगाल बलहु, इन लोगों का थोड़ा प्रोनाउंसिएशन हार्ड है, सॉरी प्रोनाउंसिएशन के लिए, जोंगाल बलहु जो था उन लोगों का महान राजा था। मध्य युग में भी कपिली के किनारे तिवा लोगों के नेतृत्व में गोभा, नेली, खला, सहरी आदि छोटी छोटी राज्यों की स्थापना हुई। ये क्या है, ये कपिली यानी नदी, मध्य युग की बात करें हम, मेडिवल हिस्ट्री की बात करें, तो उस समय हुआ क्या, उस समय तिवा लोग जो थे उन वे लोग भी तो राज बनाएंगे भाई। उन लोगों के समय भी राज्य होते थे, उन लोगों के समय भी मुखिया होता था, उन लोगों के समय भी ग्राम होते थे, उन लोगों के समय भी शहर होते थे, वे लोग भी बनाया करते थे। आप लोग को मालूम है जब राजतंत्र चल रहा था, राजाओं जब राज कर रहे थे, तो राजा जब प्रजा के ऊपर शासन कर रहा था, तो राज्य तंत्र में भी जो राजा था वो अपने अपने राज अलग अलग जगहों के अलग अलग राजा थे, तो उस समय भी था राज्य की स्थापना हुई थी, तो वे लोग भी राज्य बनाए थे। वे कौन कौन सा राज्य बनाए थे उस समय, राज्य अगर देखने को, जिस तरह अभी हमारा आसाम है, पश्चिम बंगाल है, उड़ीसा है, मध्य प्रदेश है, बिहार है, महाराष्ट्र है, ये जो राज्य हैं उस समय राज्यों के नाम थे, तिवा लोगों के राज्यों के नाम क्या थे, गोभा, नेली, खला और सहरी, ये छोटे छोटे राज्यों की स्थापना उन लोगों ने किए थे। इसके अलावा अहोम की रहा और जागी चौकी के तहत 5 राज्य और 7 राज्य नामक 12 छोटे राज्य के साथ दमाल, दंदुआ आदि राज्यों की स्थापना भी हुई थी। इसके बाद देखा जाए, इसके अलावा भी अहोम लोगों के समय देखा जाए, अहोम मालूम है असम में अहोम लोग आए थे, तो उस समय भी देखा जाए तो कुल मिला के बस इतना लिखना नहीं एग्जाम में, उस समय भी आपको ये लिखना है अहोम लोगों के समय भी तिवा लोगों का छोटे छोटे राज्य मिला के कुल 12 राज्य स्थापना हुई थी, बस इतना ही लिखना है जैसे मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, सन 1835 में जब गोभा राजा ने 3 अंग्रेज़ों को पकड़कर देवी काली के सामने बलि चढ़ा दी, तो राजा को अंग्रेजों का कोप भाजना पर क्या दिया है? कोप भाजन बनकर राज्य गंवाना पड़ा। देखिए यहाँ पे अंग्रेज का शासन चल ही रहा था, आपको मालूम है जो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 में हुई थी। ठीक है, 1600 में अंग्रेज भारत में आए थे, उन लोगों ने यहाँ पे शासन करना शुरू कर दिया था। 1700 में बात करें, 1700 आते थे उन लोग शासन भी सत्ता भी संभाल लिए, 1800 में तो उन लोग का कुछ ज़्यादा ही हमारे देश पे शासन करना प्रारंभ कर दिया। सन 1800 की बात करें हम, रिवोल्ट 1857 भी आप देख सकते हैं, जब मंगल पांडे द्वारा रिवोल्ट की शुरुआत हुई थी, सिपाही इम्यूनिटी कहा जाता है, आपका क्लास 10th में है तो पढ़िएगा, ये रिलेशन करता है सब कुछ, हिस्ट्री है, ये भी एक हिस्ट्री है तो वो भी एक हिस्ट्री है, हिस्ट्री हिस्ट्री के साथ रिलेशन करता ही करता है। तो जब हम बात करें 1835 में, तो उस समय अंग्रेजों का राज चल रहा था। अब हुआ क्या, जो वहाँ का राजा था, राजा क्या था, गोभा राजा, याद रखिएगा गोभा राजा क्या किया, ये बहुत ही मतलब निर्दयजनक और क्या, इस तरह नहीं करना चाहिए था। उन्हें क्या किया, उन्होंने 3 अंग्रेज़ों को पकड़ा और काली माँ के सामने उनको बलि चढ़ा दी। अब देखिए जिंदा इंसान को बलि चढ़ा देना, ऐसे भी प्रथाएं वो लोग चला रहा था, वे राजा चला रहा था, ये गोभा राजा उस समय क्या किया, 3 अंग्रेज़ों को पकड़ कर देवी काली के सामने बलि चढ़ा दी। और जब ये बलि चढ़ा दी तो अब तो अंग्रेज़ चुप बैठेंगे नहीं भाई, कोई भी बैठेगा क्या। अब अंग्रेज़ तो वैसे भी बहुत चालाक थे, साथी थे, और उनके पास अस्त्र शस्त्र की कोई कमी नहीं थी, वे लोग सब कुछ यहाँ पे बना चुके थे। जब राज कर रहे थे, सत्ता उनके हाथों में थी, तब तो सब कुछ उन्हीं के हाथ में था ना, तो अंग्रेज़ों के पास पावर की कोई कमी नहीं थी। वो लोग क्या किए, ये राजा को पकड़े और राजा को पकड़कर बंदी बना लिया, और राजा को बंदी बनाने के कारण राजा को क्या करना पड़ा, अपना राज्य गंवाना पड़ा, अपना राज्य से उसको हाथ धोना पड़ा। ठीक है, भारत की आज़ादी के जंग में तिवा लोगों का अहम योगदान रहा। हाँ, और एक यहाँ पे देखा जाए कि जब क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू हुआ था, मतलब भारत छोड़ो आंदोलन, 1947 के में जब महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किए थे,
भारत छोड़ो आंदोलन जब शुरू हुआ था तो उसमें आज़ादी की जो आंदोलन था उसमें तिवा लोगों का भी अहम योगदान रहा। इन लोगों ने भी पार्टिसिपेट किया था। असम के पहले कृषक विद्रोह फुलगुड़ी धावा, ये धेवा नहीं होगा, फुलगुड़ी धावा, आप फुलगुड़ी धावा देखेंगे, आप क्लास 10th में जाइएगा, सोशल में ही है। तो फुलगुड़ी धावा जो असम में कृषक विद्रोह हुआ था कृषि को लेकर, क्योंकि टैक्स लगा दिया गया था, वहाँ के जो बड़े बड़े व्यापारी थे, बड़े बड़े जो मारवाड़ी लोग थे, अंग्रेज़ों ने भी क्या किया था, कृषि के ऊपर टैक्स लगा दिया था, ताम यहाँ तक का पान तामूल के ऊपर भी टैक्स लगा दिया गया था। इसी इन्हीं सब कारणों के वजह से ये कृषक विद्रोह प्रारंभ हुआ। और वो फुलगुड़ी धावा क्यों बोला गया है, फुलगुड़ी नाम की एक जगह थी, उस जगह में फुलगुड़ी धावा वो लोग कृषक लोग आंदोलन शुरू किए कि ऐसा हम लोग टैक्स नहीं भरेंगे, हम लोग का जो उत्पादन है इसी में वृद्धि नहीं हो रहा है, अब मान के चलिए कमाएंगे हम 5 रुपया और टैक्स देंगे 10 रुपया, ऐसा हो सकता है, ऐसा तो होगा नहीं, तो हम क्या करेंगे, उसके ओपोजिशन में कुछ एक्शन लेंगे। उसी तरह उन लोगों ने फुलगुड़ी नाम की जगह पे एक धावा बोला जिसे फुलगुड़ी धावा बोला जाता है। तो इस फुलगुड़ी धावा में किसका योगदान रहा, तिवा लोग ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया था, याद रखिएगा, सोशल के साथ रिलेवेंट है। हाँ, धावा का जन्म के नेतृत्व में तिवा लोगों ने दिया। देखिए ये माना जाता है कि फुलगुड़ी धावा की जो शुरुआत किए थे जन्म, यानी फुलगुड़ी धावा जो शुरुआत किए थे तिवा लोग ने ही शुरुआत किया। विद्रोह के जुर्म में सोवाबर लालुंग सहित कई लोगों को जान से हाथ धोना पड़ा। देखिए जब ये लोग फुलगुड़ी धावा मूवमेंट शुरू किए तो हुआ क्या, जो अंग्रेज़ तो मैंने पहले बोला बहुत पावरफुल था भाई, तो अंग्रेज़ों ने क्या किया, वहाँ के लोगों को पकड़ कर, जिसमें कुछ नाम दिया गया है, सोवाबर लालुंग सहित कई लोगों को मार डाला गया, मतलब मार दिए गए इन लोगों को, अंग्रेज़ों ने मार डाला, और इसलिए कहा गया कि उन लोगों ने अपने हाथ से जान, मतलब जान से हाथ धोना पड़ा। यहाँ पे देखिए 11 लोगों को जीवन भर की कैद की सजा काटने के लिए द्वीप भेज दिया गया। उस समय काल कोठरी होता था, ये द्वीप में होता था। द्वीप होता क्या है, ये द्वीप है, चारों तरफ समुद्र ही समुद्र है, ये मिडिल में एक आइलैंड का तरह द्वीप है, इसमें आपको डाल दिया जाएगा, अब यहीं पे आप मरिए या सड़िए। तो सोचिए यहाँ पे अगर आपको डाल दिया जाए तो आप कहाँ से निकलिएगा, सब जगह तो पानी ही पानी है, आप किधर से भागिएगा, भागने का कोई रास्ता होता ही नहीं है। तो 11 लोगों को ऐसा स्थान पर डाल दिया गया, अंग्रेज़ों ने डाल दिया। 42 के जन्म में 1942 का जो मूवमेंट हुआ था, यह देखिएगा 1942 जन आंदोलन में भी तिवा व्यक्ति हेमराम पातर शहीद हुए थे। देखिए इन लोग का बहुत योगदान देखने को मिल रहा है, आप जब हिस्ट्री पढ़िएगा वहाँ पे इन लोग का जिक्र नहीं मिलेगा, हालांकि यहाँ पे जिक्र मिल रहा है तो बहुत अच्छी बात है, ये मुझे नहीं मालूम था कि तिवा लोगों में भी बहुत सारे लोग हैं शहीद हुए थे देश की आज़ादी को लेकर। वो लोग भी देश में आज़ादी चाहते थे कि हम लोग भी अंग्रेज़ों से छुटकारा पाए। ठीक है, मूलतः यहाँ देखिए मूलतः मातृसूत्रीय अवस्था में उत्पन्न तिवा समाज की बुनावट परिवार से शुरू होती है। देखिए वहाँ पे मातृप्रधान था, ये तिवा लोग मातृप्रधान मतलब माँ को अधिक मानते थे। अभी के ज़माने में प्रीति प्रधान चल रहा है, या देखिएगा प्रीति प्रधान मतलब आपका हेड ऑफ घर में हेड कौन होता है, पिताजी होता है। उस समय माता को अधिक माना जाता था। 2 से अधिक लोग मिलकर एक महारी, कई महारी मिलकर एक कुल या खूटा, देखिए ये बोलिएगा सर ये महारी ये कुल ये खूटा क्या शब्द है, जिस तरह अभी हम 2-4 लोग मिलाकर एक परिवार का जन्म होता है, एक परिवार बनता है, कुछ परिवार मिलाकर हमारे समाज बनते हैं, कई समाज मिलाकर ग्राम बनता है, ग्राम कई मिलाकर शहर बनता है, शहर मिलाकर आपका डिस्ट्रिक्ट बनेगा वहाँ का, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट को मिलाकर राज्य बनेगा, इस तरह करके एक के बाद एक स्टेप होता है ना हमारी जो समाज व्यवस्था है। उन लोगों का समाज व्यवस्था क्या था, क्वेश्चन पूछेगा कि तिवा लोगों की सामाजिक व्यवस्था क्या थी, उसके बारे में परिचय दीजिए, तो आपको ऐसा ही लिखना पड़ेगा कि वे लोग क्या करते थे, 2 से अधिक लोगों को मिलाकर महारी, महारी यानी उन लोगों का परिवार, उन लोगों का परिवार को महारी कहा जाता था। 2 से अधिक लोग मिलाकर एक महारी की सृष्टि होता था, एक परिवार का जन्म हुआ। कई महारी मिलकर एक कुल मतलब कई परिवार को मिलाकर एक कुल, कुल मतलब वहाँ की समाज बना, कुल या खूटा भी कहा जाता था। देखिए कई कुल मिलाकर एक खेल, खेल को खेल मत समझिए, कई समाजों को मिलाकर एक ग्राम की सृष्टि होती थी। खेल
और कई खेल मिलकर एक गांव बनता था, और ये ग्राम को मिलाकर एक गांव बनता था। ठीक है, ये गांव एक शब्द आ गया है तो जो आपको समझ में आएगा, ये खेल, ये खूटा, ये महारी, ये आपको समझ में नहीं आएगा लेकिन आएगा। मैं एग्जांपल भी दे दिया, समझ में क्यों नहीं आएगा, आएगा। महारी मतलब परिवार, आपके घर में 2 से 4 मेंबर हो मिलाकर एक फैमिली बनता है, इसी तरह उन लोग का भी 2 से अधिक मेंबर्स को मिलाकर महारी बनाते थे। महारी यानी फैमिली, कई महारी मिलाकर कुल या खूटा, कई आपका फैमिली मिलाकर एक समाज का गठन करेगा, कई समाज मिलाकर एक खेल यानी एक ग्राम का सृष्टि करेगा, और कई खेल, खेल मतलब कई ग्रामों को मिलाकर एक गांव बनेगा। ठीक है, और गांव के प्रधान, ग्राम के प्रधान ग्रामपति यानी मुखिया होते थे। खेल के प्रशासनिक और सामाजिक मुखिया को मैदानी इलाके में, देखिए मुखिया उस समय भी था, जो ग्राम थे, ग्राम का जो प्रशासन था, प्रशासन चलाता था, हेड ऑफ किसे माना जाता था, मुखिया को माना जाता था। यानी खेल, खेल मतलब ग्राम, याद रखिएगा। जेला कहा जाता था, देखिए मुखिया के मैदानी में जेला कहा जाता, मुखिया को जेला भी कहा जाता था, और पहाड़ी इलाके में लर कहा जाता था। इस मुखिया को जेला कहा जाता था ग्राम में, और इसी मुखिया को पहाड़ में लोग लर कहा जाते थे, लर का नाम देते थे, लर यानी हमारा लर है, लर मतलब मुखिया। हारी कुंवरी समाज का एक प्रतिष्ठित और सम्मानजनक पद है। अभी देखिए, अभी पीएम का पद, प्राइम मिनिस्टर का पद, सीएम का पद, चीफ मिनिस्टर का पद, एमएलए का पद, वाइस प्रेसिडेंट का पद, देखिए ये सब पद एक सम्मानजनक पद है ना, एक प्रतिष्ठित पद है ना, एक ऊँचा पद है कि नहीं, आईपीएस ऑफिसर एक पद है। तो यही बात है कि उस समय जो पद दिया जाता था, सम्मानित दिया जाता था, उसका नाम था हारी कुंवरी। ठीक है, हारी कुंवरी एक सम्मानजनक पद था उस समय। ठीक है, पोस्ट था, पोस्ट। अब अंग्रेज जो भी इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है उनको समझ में आएगा, पोस्ट, समझ में आ रहा है। देखिए हालांकि एक बात कहना चाहता हूँ कि आप अगर ऑनलाइन हमसे कोचिंग लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन के नीचे नंबर दिया जाएगा, आप उससे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसमें होगा क्या, आपको पहले चैप्टर एक्सप्लेनेशन किया जाएगा, इसके बाद आपका टेस्ट लिया जाएगा, आपका कहाँ कमी है वो देखा जाएगा, टेस्ट पेपर सॉल्यूशन करवाया जाएगा, आपको नोट्स प्रोवाइड की जाएगी, इस तरह की सुविधाएं मिलेगी। आप ऑनलाइन कोचिंग लेना चाहते हैं तो कॉन्टेक्ट ज़रूर कीजिएगा। तो आगे पढ़ते हैं, मैदानी इलाके के प्रत्येक कुल के उपासना गृह, बरघर या नौ बार की मौजूदगी ध्यान देने लायक है। मैदान में देखे, मैदान तो जानते हैं, प्लेस एरिया जहाँ पे मिट्टी हो, मैदान। मैदान में क्या होता है, कुल की उपासना, और गृह बरघर नौ बार की मौजूदगी ध्यान देने लायक। ठीक, ये हालांकि थोड़ी सी लैंग्वेज टफ है, आपको समझ में नहीं आएगा, इस पर ज़्यादा ध्यान मत दीजिए, आगे बढ़ते हैं। यहाँ से देखिए समझ में आएगा, पहाड़ी इलाके में परिवार के मुखिया को जिला और आवास को नौ बार कहा जाता था। अब समझ में आएगा, पहाड़ में चले जाइए, जो ऊंचे ऊंचे पहाड़ है उस इलाके में मुखिया जो है, मुखिया को जेला, मुखिया को क्या कहा जाता था, जेला, और आवास को नौ बार। आवास मतलब वहाँ के जो लोगों का आवास है, जो घर है, घर, घर को नौ बार कहा जाता था, नौ बार, नौ बार। ठीक है, ये घर, घर को वो लोग क्या करते थे, नबार कहते थे। मुखिया को वो लोग क्या कहते थे, जेला करते थे। जेला और नबार ये दोनों लैंग्वेज यूज़ की जाती थी ओनली फॉर पहाड़, हिल एरिया में। ठीक है, मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। परिवार के पूजा पाठ वहीं संपन्न होते हैं, परिवार के पूजा पाठ भी वहीं पे वो लोग करते थे। पहाड़ी तिवा का सांस्कृतिक प्राण केंद्र समाधि या डेका सांग है। तिवा लोग मूलतः जड़वादी या जड़ोपासक और पुरखों की उपासना करते थे। उन लोगों को देखिए पूजा पाठ में क्या था, उन लोगों में पूजा पाठ में सबसे पहले महत्वपूर्ण उन लोग देते थे अपने पूर्वजों, पुरखों की उपासना करना। जिस तरह आपके दादा परदादा मर चुके हैं तो आप उसकी पूजा कीजिएगा, उसकी उपासना कीजिएगा, वही आपके लिए भगवान है, वे लोग मानते थे। अभी नहीं, मैं ये नहीं कहता कि आप मानिए, हालांकि हमें मानना चाहिए पूर्वजों को पूजा। हम लोग भी अभी भी ये प्रथाएं चल रही है कि पूर्वजों को हम पिंडा दान देते हैं, है कि नहीं, आपने सुने होंगे। पूर्वजों के लिए कोई साल में एक बार श्राद्ध कराता है अपने दादा दादी या पिताजी के लिए,
तो वे लोग भी पूर्वजों का उपासना करते थे, यही उन लोग के लिए पूजा पाठ था। प्रकृति के विभिन्न उपादानों की, हाँ लेकिन एक बात है, नेचर की पूजा वो लोग करते थे। प्रकृति के विभिन्न उपादानों की पूजा करते पूजा करने के साथ वे उत्सव पर्व में वे लोग पुरखों को देवता मानते हैं। मैंने पहले ही बोला वो लोग, उन लोगों के लिए भगवान कौन था? पुरखों, यानी पुरखों कौन है? आपके दादा परदादा जो मर चुके हैं, जो गुजर चुके हैं, आपके पिताजी या मम्मी, पिताजी के पिताजी जो मर के चले गए हैं, वो आपके पुरखों हो गए, पूर्वज हो गए। आपको उन्हीं को भगवान मान के पूजा करना है। ये कौन करता था? तिवा लोग करते थे। एक्चुअल में आएगा उन लोग के पर्व के बारे में लिखने के लिए, उन लोग के उपासना के बारे में, उन लोग का संस्कृति, उन लोग का कल्चर के बारे में, तो आप ज़रूर ऐसा लिखिएगा। और एक बात है कि वो लोग प्रकृति का पूजा करते थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। देखिए आप लोग भी प्रकृति का पूजा करते हैं, हम भी करते हैं, अभी के लोग नेचर का पूजा करते हैं। ये पहले से, ये हम सिंधु घाटी की सभ्यता से देखेंगे, इंडस वैली सिविलाइजेशन सबसे पहले जब वहाँ पे शुरुआत हुई थी वहाँ से ही हम देखेंगे कि प्रकृति की पूजा अभी भी की जा रही है और तब भी की जाती थी। देखिए प्रकृति की पूजा में हम किसकी पूजा करते हैं? देखिए हम क्या करते हैं, पीपल के वृक्ष की पूजा करना प्रकृति की पूजा हो गया, पत्थरों की पूजा करना शिव भगवान मानकर प्रकृति की पूजा हो गया, सूर्य देवता की पूजा करना प्रकृति की पूजा हो गया, वायु देवता की पूजा करना प्रकृति की पूजा हो गया, पृथ्वी की पूजा करना प्रकृति की पूजा हो गई, जल यानी नदी की पूजा करना, गंगा की पूजा करना प्रकृति की पूजा हम पहले से करते आ रहे हैं और अभी भी कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे बताया गया है पूर्ववर्ती समय में वे लोग हिंदू धर्म में विभिन्न मतों जैसे शाशक्तवाद, वैष्णववाद, शैववाद, नव वैष्णववाद आदि से भी जुड़ गए, लेकिन धीरे धीरे वो लोग क्या किए, अपने आप को थोड़ा बदले और धर्म में आ गए। हिंदू धर्म के अंदर आप देखेंगे वैष्णववाद जो वैष्णव धर्म को मानता है, शैववाद जो शिव को मानता है, नव वैष्णववाद ये भी विष्णु भगवान को ही मानता है। तो ये सब जो अभी के लोग जो मानते हैं वे लोग भी धीरे धीरे इसमें कन्वर्ट हो गए और वे लोग भी मानने लगे और जुड़ गए वो लोग धीरे धीरे। इसके विपरीत पहाड़ी इलाकों में 20वीं शताब्दी की शुरुआत से ईसाई धर्म का प्रचलन था। अगर देखी जाए इसके विपरीत, इसका उल्टा देखा जाए तो पहाड़ी इलाके में हम 20वीं सेंचुरी की बात कर रहे हैं, 20वीं शताब्दी के शुरुआत से ही ईसाई धर्म का प्रचार था। यहाँ पे ईसाई धर्म प्रचार हुआ था, ईसाई धर्म चल। देखिए ईसाई धर्म हम लोग का धर्म है नहीं, ईसाई धर्म पुर्तगालों ने लेकर आया था, याद रखिएगा। ईसाई किसने लाया था? ईसाई धर्म पुर्तगालों ने लाया था और इसको फैलाया था, जो अभी भी चल रहा है। ठीक है, हम लोग का यहाँ पे जो ओरिजिनल अगर बात करें, हमारी जो मूल धर्म था वो था सनातन धर्म, जो अभी भी है। हिंदू लोग सनातन धर्म का पालन करते हैं। ईसाई धर्म की बात करें तो वे लोग वहाँ से पुर्तगालों से पहले, देखिए ईसाई धर्म सॉरी ईसाई हाँ ईसा मसीह ये लोग तो पुर्तगाल लोग आए थे, पुर्तगाल लोग ही लाए थे। इसके बाद अहोम लोग सॉरी मुगलों ने क्या लाया था? तो मुगलों ने मुस्लिम धर्म लाया था। ठीक है, बहुत सारे लोग आए हैं यहाँ पे, धर्म फैला कर गए हैं और वो धर्म अभी भी लोग मान रहे हैं। ठीक है, उन लोगों का मेन कार्य यही था कि आके धर्म प्रचार करना। देखिएगा हिस्ट्री पढ़िएगा तो वहाँ पे बहुत अच्छे बारीकी से समझ में आएगी। तिवा लोगों की संस्कृति क्या थी थोड़ी सी पढ़ लेते हैं, टाइम कितना हो गया? देखिए टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका है, मैं अभी बहुत है तो एक काम करता हूँ, मैं पार्ट टू में, ये पार्ट वन है, यहाँ से हम शुरू करेंगे पार्ट टू शुरू करेंगे पार्ट थ्री, क्योंकि तिवा बहुत बड़ा चैप्टर है इसलिए समझाने में भी वक्त लग रहा है। तो इसलिए काम कीजिएगा, पार्ट टू जरूर देखिएगा, आपको प्लेलिस्ट मिलेगा हिंदी का, वहाँ पे जाके मिल जाएगा या डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक मिलेगा, पार्ट वन पार्ट टू जरूर जाके विजिट कीजिएगा। ठीक है, और यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर भी मिलेगा, आप अगर कोचिंग लेना चाहते हैं तो कॉन्टेक्ट जरूर कीजिएगा डिस्क्रिप्शन के नीचे। वीडियो अच्छा लगा लाइक करना है, कमेंट जरूर देना है, एक थैंक्स तो बोलना ही बोलना है आपको अगर अच्छा लगा, नहीं बोलना है आपको अगर अच्छा नहीं लगा डिसलाइक कीजिए, उसका कारण जरूर बोल दीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर।